हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न के कटलेट और बड़ा। इसके लिए मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न एक बाउल। ये मैंने फ्रोजन स्वीट कॉर्न लिए हैं। अगर आपके पास ताजे हैं तो आप ताजे भी ले सकते हैं। इसको मैंने गर्म पानी में धो लिया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको मिक्सर जार में डाल दिया है। अब मैं एक हरी मिर्च ले रही हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप उतनी हरी मिर्च ले सकते हैं, पर मेरे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसलिए मैंने एक हरी मिर्च ली है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमें इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा दरदरा ही पीसा है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाया है इसका मैंने। हमको इसे ऐसे ही पीसना है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। मैंने ये कद्दूकस की हुई गाजर ली है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अनुसार नमक, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा एक चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ पीसा धनिया। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया, और मैं इसमें अब डाल रही हूँ इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा मोजरेला चीज। दो चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से एक डो इसका अच्छे से तैयार कर लेना है हमें। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। ये देखिए, बहुत इजी बन जाते हैं ये, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने ब्रेड क्रम बनाकर तैयार रख लिया था पहले से ही। अब हम इसको ब्रेड क्रम में ऐसे रोल कर लेंगे और बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कटलेट बना लिए हैं। मैंने इसको 3 शेप दिए हैं, कटलेट का शेप, बड़ों का शेप, और ये गोल लड्डू जैसा शेप। आपको जैसा चाहे शेप दे सकते हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे इन सबको। मैंने एक पैन में पहले से ही तेल चढ़ा के रख लिया था गैस में। ये गरम हो गया है। अब हम इस बारी बारी करके सब कटलेट डालेंगे। इन सबको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है, एकदम सिम नहीं करना है गैस को, नहीं तो ये तेल ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगा। बीच बीच में हम इनको हिला लेंगे, थोड़ा सा पलटते जाएंगे। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, हमारे कटलेट उठ बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक एक करके हम सब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे कटलेट और बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, और क्या बोलते हैं, आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
मैं इसको अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे स्वीट कॉर्न कटलेट। अगर आपको मेरा ये नाश्ता पसंद आता है और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।